um uh. सलमान पर कुरान मजीद के पांच हुकूक हैं सबसे पहला हक यह है कि कुरान को माने दूसरा हक यह है कि कुरान को पढ़े तीसरा हक यह है कि कुरान को समझे चौथा हक यह है कि कुरान पर अमल करें और पांचवा हक यह है कि कुरान को दूसरे लोगों तक पहुंचाए पहुंचाए तो हमें यह जानने की जरूरत है कुरान पाक की तिलावत की शर्तें क्या हैं और उसके हुकूक क्या हैं कुरान पाक का जो चौथा हक है इंतहाई अहम इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि कुरान पाक पर अमल किया जाए यह इंतहाई तफसील तलब हिस्सा है मेरी इस तकरीर का कि किरन पाक पर अमल किया जाए जाहिर बात है कुरान पाक को मानना कुरान पाक को पढ़ना कुरान पाक, पाक को समझना इसीलिए है के उस पर अमल किया जाए कुरान कोई जादू मंदर की किताब तो है नहीं बल्कि यह अमल की किताब है कुरान पाक अमल की किताब है अल्लाह तबारक तआला ने लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए भेजी है सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं सारी कायनात में और धरती में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए यह हिदायत और गाइडेंस और रहनुमाई की किताब है अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो शख्स कुरान पाक को पढ़ेगा उसको मानेगा उसको समझेगा उस पर अमल करेगा वो दुनियावी और उखरवी दोनों जगहों की आफतों से महफूज रहेगा और यहाँ भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा अल्लाह का फरमान है सूरतहा सूर्य नंबर बीस आयत नंबर एक सौ तेईस के अंदर फमन तबाह हदाया फ़लाजुल वला याश्का कि जो शख्स मेरी हिदायत की यानी कुरान की पैरवी करेगा तो न तो वह इस दुनिया में गुमराह होगा और न वह आख़रत में नाकाम होगा Quran, अमल की किताब है कुरान प्रैक्टिकल जिंदगी में वो तमाम चीज़ों को बरत कर देखने की किताब है जिसका हुक्म अल्लाह तबारक वाली ने अपनी किताब के अंदर दिया है आइए हम देखते हैं कि हमारा और आपका अमल क़ुरान पाक पर कितना है हम कितना कुरान पाक पर अमल करते हैं और हमारी जिंदगियों में कुरान कितना है उसको देखने उसको समझने और उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है और अगर इसमें कोई कमी हो इसमें कोई कोताही हो इस हिस्से में और कुरान पाक के इस हक में तो ये एहसास पैदा करके यहाँ से जाइए कि हम क़ुरान पाक को मानेंगे उसको पढ़ेंगे उसको समझेंगे और उस पर अमल की कोशिश करेंगे क्योंकि क़ुरान पाक का ये हिस्सा और कुरान पाक का ये हक यानी अमल इंतहाई अहम और बुनियादी और बेसिक चीज़ है इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक पर हम अमल कैसे करेंगे आइए हम कुरान पाक की जो बुनियादी तालीमात हैं उस पर गौर करते हैं जिन पर अमल करने का हमें हुक्म दिया गया है सबसे पहली चीज़ कुरान पाक की तालीमत में कुरान पाक की टीचिंग्स में और उसकी बेसिक टीचिंग्स में ये है तोहेद का दर्स अल्लाह एक है अल्लाह को एक माना जाए नुकसान और नफा का मालिक उसी को समझा जाए रोज़ी देने वाला उसी को माना जाए बीमारी देने वाला और औलाद देने वाला और तंदुरुस्ती देने वाला उसी को माना जाए अल्लाह ताला फरमाता है कुल्अ अल्लाहद अल्लाह समल वलम्लहु कुफ सूर्य अखलास सूरह नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक से चार कहो वो अल्लाह एक है अल्लाह बेनियाज है ना उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है और उसका कोई शरीक नहीं उसके बराबर कोई नहीं वो अकेला व तन्हा है उसके रसूलों पर कुरान की तालीमत में से बुनियादी तालीम ये है कि उसके रसूलों पर उसकी किताबों पर उसके फरिश्तों पर आखिरत के दिन पर ईमान लाया जाए अल्लाह फरमाता है या अल्लदीन आमनु आमन बिल्ल व रसूली ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूलों पर वल किताबल नज रसूली और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो अल्लाह तबारक व तौर ने पहले उतारी ओम यकफुर बिल्ला व मलाकती व कुतुबी ही व रसूली ही वलीओ मिल आखिर फमदा और जो शख्स इनकार करे अल्लाह का अल्लाह के रसूलों का अल्लाह की किताबों का अल्लाह के फरिश्तों का और आखिरत के दिन का वो बहुत बड़ी गुमराही में फंस गया बहुत बड़ी गुमराहि में मुबला हो गया कुरान की बुनियादी तालीम ये है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए उनके साथ बेहतरीन अंदाज़ में पेश आया जाए अल्लाह ताला फरमाता है वक़ा रब का अल्लाह तब्दू अल्लायाबीवालदीन अहसाना इमाय अब किबारा उम्मा फलात ओफ़ वला वक़ुल कौलन करीमा वक्फलहमा जना हज़ुलर रहमा वक़ुरबर रहम कमारानी सगीर सूरतरा सूरत सूर नंबर सत्रह आयत नंबर तेईस और चौबीस तेरे रब का यह फैसला हो चुका है तेरे रब ने यह फैसला कर लिया है कि तुम उसके अलावा किसी की बंदगी और इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो अच्छी तरह से पेश आओ अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक मत कहो और उनको झिड़को मत और उनके सामने जब बात करो तो नर्म गुफ्तगु करो नर्म अंदाज में बात करो और उनके सामने एतात और फरमाबरदारी के साथ अपने बाजुओं को झुका दो और अल्लाह ताला से दुआ करो उनके हक में कि ए मेरे परवरदिगार ए मेरे पालने वाले रब इन लोगों ने मेरे माँ बाप ने जिस तरीके से बचपन में मुझे पाला है बचपन में मेरी परवरिश की है अल्लाह तो इनके साथ भी वही मामला नरमी का और रहमत का फरमा क़ुरान की बुनियादी तालीमात में से एक अहम तालीम ये है कि पड़ोसियों के साथ रिश्तेदारों के साथ मुसाफिर के साथ मिसकीन के साथ अच्छा सलूक किया जाए और फजूल खर्ची से बचा जाए वातिज़ल क़ुरबा हक़ मस्कीना वबन सबील वला तो तबजीरा और हकदार को रिश्तेदार को उसका हक़ दो और मस्किन के साथ अच्छा सलूक करो और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो और फजूल खर्ची से बचो सुर इसरा सुर नंबर सत्रह आयत नंबर छब्बीस कुरान पाक की बुनियादी तालीमत में से एक अहम तालीम यह है कि जना के करीब इंसान न जाए जना के करीब इंसान न फटके अल्लाह तला फरमाता है सूर इसरा सुर नंबर सत्रह आयत नंबर बत्तीस के अंदर वला तकरब जीना इनका नफ़ाशा देखो खबरदार खबरदार हरगज हरगज़ जना के करीब भी मत जाना ये बहुत गंदी चीज़ है कुरान पाक की बुनियादी तालीमात में से एक अहम तालीम यह है कि यतीमों के माल को हड़प न किया जाए उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए और जो वादा किया जाए उसको पूरा किया जाए वला तक्रबाल यतीम शुद्दा वफ़ू बिलहद इनद अहद ना मसूला सूरह इसरा सूरह नंबर सत्रह आयत नंबर चौंतीस के देखो यतीम के माल को हड़प मत करो उसके करीब मत जाओ सिवा उस तरीके के जो बेहतर हो जब तक कि वो बालिग ना हो जाएं और किए हुए वादे को पूरा करो कुरान पाक की बुनियादी तालीमत में से एक अहम तालीम यह है कि नाप तौल में कमी ना करो नाप तौल में कमी मत करो डंडी मत मारो वउफुल मुस्तकीम सूर इसरा सुर नंबर सत्रह आयत नंबर छत्तीस कि जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सही तराजू के साथ नापो उसकी तालीम यह है कि इंसान शराब से और जुआ से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करे या वल आमनरु वल वला अनसाबू मिन जलामसम शैतान फ़ज तबूह लालकुम तफल ईमान वालो ए मुसलमानों सुनो शराब जुआ और हाल निकालने के तीर और थान की चीज़ें ये सारी की सारी गंदी चीज़ें हैं शैतानी चीज़ें हैं इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ सुरह मायदा, सुर नंबर पाँच आयत नंबर नवे कुरान पाक की बुनियादी तालीम यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए गुस्से को पी लिया जाए और लोगों को माफ़ किया जाए सुर आल इमरान सुर नंबर तीन आयत नंबर एक सौ चौंतीस से छत्तीस के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है के अदीफ़िक्न अफिसर वज़र्रावलमिनज़ाल आफ़ीना अननासला इब्बासिन पक्के सच्चे मुसलमान तो वह हैं ईमान वाले तो वह हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उस वक्त भी जब वह तंगी में होते हैं और उस वक्त भी जब वो खुशहाली में होते हैं और वह गु़स्से को पी जाते हैं लोगों को माफ़ करते हैं और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है क़रन पाक की तालीम बुनियादी ये है कि मुसलमान सूद के करीब न जाए यादीन आमन वजरू माबिनी सूर नम्बर दो आयत नंबर दो सौ अठत्तर और दो सौ उनासी क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो सूद लेना बंद नहीं करते सूदी कारोबार तर्क नहीं करते सूदी लेन देन नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ कुरने पाक की बुनियादी तालीम यह है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान का मज़ाक न उड़ाए गीबत न करे किसी को बुरे लक़ब से याद न करे और बदगुमानी से बचे अल्लाह तला फरमाता है यादीन आमनसकर खैरमिन वला खैरमिन वला तलमिज़ो अनफम वला तनाबुबिल्कब बिससमसुकबादान सुर हजरात सूर्य नंबर उनचास आयत नंबर ग्यारह और बारह क्या ईमान वालों कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए औरतों का गिरोह किसी दूसरे औरतों के गिरोह का मजाक न उड़ाए हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो उनसे बेहतर हो वला तलमज़ुअसकुम अपने आप में ऐब ना लगाओ वला तना बजू बिलाब और एक दूसरे को बुरे लकब से मत पुकारो बी बादल ईमान ईमान के बाद सबसे बुरा नाम फिर है कुरान पाक की बुनियादी तालीम में से एक तालीम ये भी है और इंतहाई अहम तालीम है कि इंसानी जान की इज्जत की जाए इंसानी जान का एहतराम किया जाए और इंसानी जान का मरतबा बढ़ाया जाए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम सिख हो या ईसाई किसी की भी जान लेना बगैर किसी गलती और गुनाह के कतान नाजायज़ और हराम है सूर्य मायदा सूर्य नंबर पाँच आयत नंबर बत्तीस के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है मन कत नफसम बगैर नफसन फसाद फ़कन्नम कतरनास जमिया जो शख्स किसी को बगैर इसके कि उसने किसी की जान ली हो या जमीन में बिगाड़ या फसाद फैलाया हो किसी को मार दे तो उसने गोया तमाम लोगों की जान ले ली और अगर उसने किसी को बचाया किसी ने किसी की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचाया ये वो कुरान की बुनियादी तालीमत हैं जिन पर अमल करने का हमें और आपको हुक्म दिया गया है आप गहराई से संजीदगी से अपने दिलों को टटोलें अपने हालात पर गौर करें कि हम क़ुरान पाक की बताई हुई इन तलीमत पर कितना अमल करते हैं हमारा हाल तो ये है कि हमने क़ुरान पाक से एराज़ कर लिया है कुरान पाक से मुंह मोड़ लिया है क़ुरान पाक से अपना मुंह फेर लिया है आप जानते हैं एराज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है एराज के माने हैं मुंह मोड़ना मुंह फेरना पीठ दिखाना तोज्जो न देना एराज का एक मतलब तो ये है कि कुरान पाक को ना माना जाए उस पर ईमान न लाया जाए जिससे इंसान काफिर हो जाता है और एराज का एक मतलब ये है कि कुरान पाक को मानते तो हैं क़ुरान पाक पर ईमान तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा है उसको समझा नहीं जा रहा है उसकी तालीमत पर अमल नहीं हो रहा है उसके अहकाम मसाइल को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है ये सारी बातें क़रने पाक से मुँह मोड़ने के अंदर शामिल हैं और हम में से जो भी मुसलमान जिस किस्म के एराज का मुजरिम होगा उसी तरह की उसको सज़ा भी मिलेगी